नमस्कार दोस्तों, अर्जिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले, ट्रेड डालने से पहले कि बाय करना है सेल, आपको एनालिसिस करना चाहिए। एनालिसिस नहीं करते तो आप बेसिकली अंधेरे में तीर चला रहे हैं। लेकिन अगर आप एनालिसिस भी करते हैं तो क्या गारंटी है कि आपको प्रॉफिट होगा? वेल, एनालिसिस के बहुत सारे तरीके हैं। डिलीवरी का फंडामेंटल एनालिसिस है, वहीं पे इंट्राडे करना है या स्विंग करना है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस करना होगा। आज बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की और देखेंगे कि ये आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा या नहीं, इसका आंसर इतना ब्लैक एंड व्हाइट में, येस और नो में डायरेक्टली देना थोड़ा मुश्किल है। सिंपली बिकॉज ये डिपेंड करता है कि आप जो टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन से, सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। अगर आपका तरीका सही है इन टर्म्स कि आप सही तरह से चार्ट्स को समझ रहे हैं, सही तरह से इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्कैनर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्राइस मूवमेंट को अच्छे से माप रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट हो सकता है। और जो ज़्यादातर ट्रेड्स होंगी वो प्रॉफिटेबल होंगी। सारी की सारी ट्रेड्स तब भी प्रॉफिट नहीं देंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स विल बी प्रॉफिटेबल। लेकिन अगर आपका तरीका ही गलत है, आपको समझ ही नहीं है कि आप टेक्निकल एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव क्या है और उससे आपको क्या डिसीजन लेना है, तो मोस्ट लाइकली आपको नुकसान होगा। और इस तरह के एनालिसिस को ना ही करें तो बेहतर है। एनालिसिस करने के लिए आपको तीन बेसिक अजम्पशंस पता होने चाहिए। ये अजम्पशंस हैं, थ्योरीज या रूल्स नहीं हैं। पहला अजम्पशन ये है कि आपका जो ओवरऑल स्टॉक प्राइस आज की तारीख में, इनफैक्ट इस पर्टिकुलर सेकंड जो चल रहा है, वो सारी पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को सबको मद्देनज़र रखते हुए ही वो प्राइस पॉइंट बना है। आगे चल के वो गिरेगा या बढ़ेगा, आपको बुलिश होना है या बेरिश होना है, वो अंडर प्राइस्ड है या ओवर वैल्यूड है, वो आने वाले समय के फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। आज जो काम हो रहा है उससे भी इम्पैक्ट करेगा, लेकिन जो आज का प्राइस मूवमेंट है, जो अभी तक हो चुका है, जो पहले काम हुआ है उस पर, या जो आज की पॉलिसीज हैं, जो आज का ओवरऑल बाय एंड सेल पैटर्न है, उसके बेस पे वो प्राइस पॉइंट सही है। तो इसको मान लीजिए, आप ये मत कहिए कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड। मे बी द काइंड ऑफ पॉलिसीज द गवर्नमेंट इज कमिंग अप और द कंपनी के जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे वो स्टॉक बढ़े, लेकिन आज का प्राइस पॉइंट गलत नहीं है। दूसरा अजम्पशन ये है कि जो भी चार्टिंग आप करते हैं, जिस मर्जी चार्ट टाइप का इस्तेमाल करेंगे, आपको प्राइस मूवमेंट्स देखनी है पास्ट लेवल पे, वॉल्यूम टर्नओवर देखना है, और उसके बेस पे आप प्राइस प्रिडिक्शन कर सकते हैं। आप ट्रेंड प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं कि आपका ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे, ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है या कंटिन्यू करेगा। ये सब चीज़ें आप सिर्फ चार्ट्स का ओवरऑल एनालिसिस करने के बेस पे ही देख सकते हैं। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि चार्ट्स का इस्तेमाल अच्छे से किस तरीके से करना है। इसके लिए आपको कैंडलस्टिक चार्ट्स हैं, बार चार्ट्स हैं, लाइन चार्ट्स हैं, अलग अलग तरह की चार्ट्स मिल सकती हैं। इट रियली डिपेंड्स कि आपका कंफर्ट लेवल किस टाइप ऑफ चार्ट्स के साथ है। तीसरा अजम्पशन ये है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इसका मतलब बेसिकली जो स्टॉक ने पिछले टाइम पे, स्टॉक या इंडेक्स ने पिछले टाइम पे जो भी पैटर्न्स देखे हैं और उस पैटर्न के बेस पे स्टॉक का जो मूवमेंट हुआ था, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ था, आज भी हाई पॉसिबिलिटी है कि बेस्ड ऑन दी करंट पैटर्न्स स्टॉक का जो मूवमेंट है उसी तरीके से बिहेव करे। तो हिस्ट्री हैज़ वेरी हाई चांस टू रिपीट इटसेल्फ। ये पर्टिकुलर जो एडवाइस है, ये अक्रॉस ट्रेडिंग सेगमेंट्स, अक्रॉस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स अप्लाई की जा सकती है। इसके अलावा बिगिनर लेवल ट्रेडर को ये पता होना चाहिए कि मार्केट में चार तरह के प्राइसेस होते हैं, OHLC, ओपन हाई लो क्लोज। जो इनके नाम है वही इनके मतलब, कि एक ट्रेडिंग सेशन में ओपनिंग प्राइस ही ओपन प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस क्लोज प्राइस है। उस पर्टिकुलर सेशन में सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो प्राइस पॉइंट रहा वो हाई प्राइस ऑफ द डे, और सबसे लो जो रहा वो लो प्राइस ऑफ द डे। अब इन चारों प्राइस पॉइंट के बेस पे आपको टेक्निकल चार्ट्स का इस्तेमाल करना है और उनमें पैटर्न्स को फिगर आउट करना है। नाउ आपको बेसिक लेवल पे ये पता होना चाहिए कि टेक्निकल चार्ट्स में पैटर्न्स और इंडिकेटर्स का इस्तेमाल साथ में किया जा सकता है। ये इंडिकेटर आपको स्पेसिफिक लेवल पे बहुत सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके बताएंगे और हेल्प करेंगे कि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो किस डायरेक्शन में जा सकता है।
टेक्निकल इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सीख सकते हैं, अलग अलग वीडियोस पड़े हुए हैं अलग अलग इंडिकेटर्स के। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल डेफिनेट लेवल पे, मैंडेटरी लेवल पे करना है, अपने आप को इतना एडवांस्ड बनाएं ताकि आप ऑब्जेक्टिव लेवल पे डिसीजन ले सकें कि जो आपका प्राइस पॉइंट, आपका डायरेक्शन है स्टॉक का, आपका एनालिसिस जो कहता है उसी के बेस पे ही आप ऑर्डर प्लेस करें। इसके अलावा जितना मर्जी आप एनालिसिस कर लें, देयर विल बी पॉइंट्स जहाँ पे आपको नुकसान होगा। चाहे आप राकेश झुंझुनवाला हैं या वॉरेन बफे, इट डजेंट रियली मैटर, या आप कोई इंट्राडे या स्विंग ट्रेडर हैं, आपको नुकसान होगा ही होगा कुछ ट्रेड्स में। अब उन केसेस में बचने के लिए आपको स्टॉप लॉस का इस्तेमाल हर ट्रेड में करना है, ऑब्जेक्टिवली करना है, ग्रीड फियर जैसे इमोशंस में नहीं आना। तो वहाँ पे स्टॉप लॉस का इस्तेमाल आपको एक लिमिट लेवल पे लॉस पे बचा के रखेगा, ये प्रीडिफाइंड रहेगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। और भी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारी ऐप स्टॉक पाठशाला को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें हम अलग अलग तरह के स्टॉक मार्केट कॉन्सेप्ट, चाहे वो टेक्निकल हो, फंडामेंटल एनालिसिस हो, स्टॉक मार्केट डेरिवेटिव्स हो, ऑप्शन ट्रेडिंग हो, वट एवर टाइप ऑफ कॉन्टेंट यू नीड, इंग्लिश हिंदी में ऑडियो वीडियो और टेक्स्ट बेस्ड कॉन्टेंट आपको मिलेगा, डाउनलोड करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अब टेक्निकल एनालिसिस प्रॉफिटेबल है या नहीं है डिपेंड करेगा कि आपकी डायरेक्शन क्या है। अच्छा लगा हुआ हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अ डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।